ओम शांति। आज बाबा के 18 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। हम सभी बिगिनर्स जिन्होंने बाबा की मुरली को अभी सुनना शुरू किया है, ज़रूर अपनी डायरी में मुख्य मुख्य बातें नोट कर रहे होंगे। बाबा की मुरली की जो भी बातें हैं वो स्व परिवर्तन के लिए हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। जो व्यक्ति खुद को जितना बदलता है उसके बदलाव से दूसरों में स्वतः ही परिवर्तन आता है। परिवर्तन हम सबको अच्छा लगता है लेकिन हर एक दूसरे में देखना चाहता है। राजयोग हम सबको सिखाता है कि इसमें हर एक इनिशिएटिव ले कि पहले मुझे बदलना है। और प्रतिदिन की मुरली सुनते हमें हर रोज़ ये संकल्प मन में लेना है कि जो कुछ बाबा ने कहा वो मेरे लिए कहा और मुझे करना ही है। जितनी जितनी संकल्प शक्ति को आप अच्छे से अलर्ट होकर के यूज़ करेंगे, करना ही है, तो उससे आपकी ग्रहण क्षमता बढ़ती जाएगी। मन और बुद्धि उन बातों को रिसीव करने लगेंगे। तो बाबा की मुरली सुनते समय हमें ये फील करना है कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा। कभी कभी सुन के हमें लगता है कि मुरली फलाने के लिए बहुत अच्छी है, बाबा की श्रीमत है, हर एक ये समझे मेरे लिए बहुत अच्छी है। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही विशेष बात कही कि आप बच्चे प्यार के सागर के बच्चे हो, तो आपको हर कार्य प्यार से करना है, क्रोध से नहीं। क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग कमज़ोर लोग करते हैं। अगर कोई कार्य आप स्नेह से कराएंगे बहुत अच्छा होगा, अगर क्रोध में आकर करेंगे तो उससे काम बिगड़ते हैं और निर्णय शक्ति भी सही काम नहीं करती है। तो जब भी मन में क्रोध आए आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे कि आप अपने आप को कहेंगे अभी नहीं, इस विषय पर बाद में सोचेंगे, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अगर आप एक घंटे के लिए भी टाल देते हैं तो आप देखेंगे बाद में आपको उस बात पे गुस्सा नहीं आएगा। वैसे भी आप शांति का बल अपने में भरें कि मैं शांत आत्मा हूँ, प्यार के सागर का बच्चा हूँ, हर कार्य मुझे प्यार से करना है, स्वतः ही ठीक होता जाएगा। जब भी हमारे मन में क्रोध आता है तो उचित और अनुचित का निर्णय हम नहीं कर पाते हैं। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने अमृत वेले के लिए कही कि अमृत वेले उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करो। आँख खुलते ही जब हम परमात्मा पिता को याद करते हैं तो पूरा दिन हमारा खुशियों से भरपूर हो जाता है। पूरे दिन के अंदर बाबा की वो शिक्षाएं, श्रीमत हमें याद रहती है। अमृत वेले का समय वरदानी समय होता है। अगर आप 15 मिनट भी बाबा को याद करते हैं उस समय, तो बाबा आपको गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर देता है। अमृत वेले के समय में क्या करना है, सबसे पहले आपने बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है, फिर बाबा को थैंक्स देना है, जो जो कुछ उसने हमें दिया उसके लिए शुक्रिया, जो जो चीज़ हम ठीक करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ संकल्प कर लेना, अपने से प्रण कर लेना। शुक्रिया करना भी मेडिटेशन है, दृढ़ संकल्प करना भी मेडिटेशन है। खुद से एक वायदा कर लें कि आज के दिन मुझे हर कार्य मुस्कुराते हुए करना है, आज के दिन जो कार्य मुझे करना है बहुत इजी होकर करना है। कभी कभी हम स्ट्रेस मन में रख लेते हैं, कार्य व्यक्ति को नहीं थकाता, हमारी सोच हमें थका देती है, तो हमें अपनी व्यर्थ सोच को परिवर्तन कर लेना है। अमृत वेले जो आत्मा वरदान लेती है तो पूरे दिन के अंदर हर कर्म में भगवान मेरा साथी है आप उसको फील करने लगेंगे, अनुभव करने लगेंगे। तो आज के मुरली के ये मुख्य धारणा बिंदु है आज कि हमें एक तो क्रोध से मुक्त रहना है, नो एंगर, दूसरा अमृत वेला
बहुत अच्छा करना है। तीसरा, अपना रजिस्टर, अपनी डायरी अच्छे से चेक करनी है, मेरा चार्ट कैसा है। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का वर्षा देते हैं। बाबा प्यार का सागर है, बाबा मिस गॉड परमात्मा, वो प्यार का सागर है, प्यार का वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्यार के सागर के बच्चे क्या बांटेंगे? प्यार बांटेंगे, गुस्सा नहीं करना। क्वेश्चन है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाबा ने कौन सा रास्ता बताया है? हमारा रजिस्टर ठीक रहे उसके लिए बाबा ने हमें कौन सा रास्ता बताया है? प्यार का ही रास्ता बाबा तुम्हें बताते हैं। श्रीमत देते हैं बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख मत दो, कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करो, सदा जांच करो मेरे में आसुरी अवगुण तो नहीं। आसुरी अवगुण होते हैं लड़ना झगड़ना, पहले भी आप बाबा की मुरली में सुन चुके हैं, अवगुणों की लिस्ट भी बनाई है, छोटी छोटी बात में रुष्ट हो जाना, तुरंत प्रतिक्रिया कर देना, इधर की बात उधर सुना देना, झगड़ा डलवा देना, मूडी तो नहीं चेक करो, कईयों का मूड बदलता रहता है, अभी भी बहुत खुश, अभी अभी देखो तो बहुत परेशान, अभी अभी बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे, अभी भी इरिटेट हो रहे हैं, बहुत सारे मूड हमारे चेंज होते रहते हैं, चेक करो मैं मूडी तो नहीं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। सरल शब्दों में हमारा रजिस्टर अच्छा कब माना जाएगा? जब हम एकरस मूड वाले होंगे, चीयरफुल मूड वाले होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। अगर हमारे मूड बार बार बदलते रहते हैं, खराब होते रहते हैं, तो उसको हमें ठीक करना है। गीता, ये वक्त जा रहा है, ओम शांति। गीतों से भी अच्छी प्रेरणा मिलती है जब हम गीत के अर्थ को समझते हैं। इस गीत में भी हमें प्रेरणा मिलती है कि वक्त जा रहा है, जो करना है सो कर ले। कभी कभी हम कहते हैं वक्त का पता ही नहीं चला, जब हम करना चाहते थे वक्त ने साथ नहीं दिया। अभी समझ भी है, वक्त भी है, समझ के साथ हमें कर लेना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अब बाबा हमसे बात कर रहे हैं। गॉड परमपिता परमात्मा सब रूहों से बात कर रहे हैं। मुरली सुनते हुए हमें गॉडली स्टूडेंट की स्थिति में बैठना है, डायरी पेन लेकर बैठना है, मुख्य मुख्य बातें लिखनी है, फिर उनको रिवाइज करना है, रियलाइज करना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है, अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत नहीं करना। बाबा की श्रीमत मुरली से मिलती है हमें, इसमें गफलत नहीं करना, लापरवाह नहीं बनना। बाबा का डायरेक्शन मिलता है, सबको मैसेज पहुंचाओ। भगवान वाच कि ये संदेश सबको दो। बच्चे जानते लाखों करोड़ों को मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज तो सबको मिलना है, मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये मैसेज सबको देना है। फॉर ऑल यूनिवर्स ये मैसेज है कि परमात्मा कहते हैं खुद को आत्मा निश्चय करो, मुझे याद करो। कोई भी कर्म इंद्रिय से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। मन वचन कर्म से मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी को गलत बोलना भी नहीं और करना भी नहीं। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अब तुम्हें राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए, ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए। राइट का क्या राइट है या नहीं है ये बुद्धि डिसाइड करती है, बुद्धि निर्णय शक्ति है। बाबा कहते हैं आप सही निर्णय तब कर सकते हैं जब आपका चिंतन अच्छा है, फिर पता चलेगा कि ये करना है या नहीं। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, विचार आया गुस्सा करें, बुद्धि मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो ये पाप बन जाएगा। अब बाबा सिखा रहे हैं,
हमने पहले लेसन में सीखा आत्मा की शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय देती है, जो काम कर लेते वो संस्कार। मन ने सोचा क्रोध कर ले, बुद्धि कहती नहीं गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, तो निर्णय ठीक हुआ तो संस्कार कैसा बन जाएगा, शांति का संस्कार। आपके मन में आया अभी कर लेते हैं, बुद्धि भी कहने लगती है कि कोई बात नहीं एक बार गुस्सा करने से क्या हो जाएगा, निर्णय गलत हुआ तो संस्कार वैसे बन जाएंगे। बाबा को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाती है। मनुष्य ऐसा कर्म करते समझते कि पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते। बाबा ने बताया ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पानी है, सूक्ष्म विकारों पर भी जीत पानी है, सबको मैसेज देना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, जब कोई मरने पर होता है तो क्या कहते हैं, गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। समझते हैं गॉड फादर के पास जाते हैं, परंतु वो लोग जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा। किसी को पता नहीं है कि जब आप ईश्वर को याद करते तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके, तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद रहनी चाहिए। बाबा अविनाशी है, मन में उनकी याद रहनी चाहिए। सब आत्माएं परम पिता को पुकारती हैं, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो, ये कॉमन रस्म है। मरते समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे बुरे कर्म का फल ईश्वर देते हैं, बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज के द्वारा सजा दिलाएंगे, कर्मों की भोगना होती है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया, देह अभिमान में कर्म करेंगे, दिखावे से कर्म करेंगे तो वो विकर्म बन जाएंगे, पाप कर्म बन जाएंगे। बाबा की याद में कर्म करेंगे सुकर्म बन जाएंगे, श्रेष्ठ कर्म बन जाएंगे। अगर आप आत्मिक स्मृति में रहकर सुख देते हैं तो वो सुकर्म आपके जन्म जन्मांतर के लिए जमा हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि संदेश सबको बताओ कि बाबा कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो पूछो, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि तुम प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार, प्यार से समझाने से हाथ में आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योगबल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से किसी को भी समझाने से वो समझेंगे कि तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि कभी कभी ना कईयों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे मान लो कोई पुलिस में है तो उनकी जॉब ऐसे कि उनके गुस्सा करना पड़ता है, कई बार सामने वाला सच नहीं बोलता है, तो बाबा ने कहा पहले तो प्यार से समझाओ, अगर प्यार से ना समझे तो फिर आप आपकी जॉब के हिसाब से उनको पूछ सकते हो, आप थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ा सकते हो, अगर वो सच्ची ना समझ करे तो फिर आप उनको डंडा दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपके प्यार में बाबा की याद की ताकत भरी है तो उनको लगेगा कि जैसे भगवान मुझे समझा रहे हैं, मुझे सच बता देना। आपके अंदर तपस्या का बल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए ताकि सामने वाला सच अपने आप बोल दे। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में ईश्वरीय ताकत है, ईश्वर प्यार का सागर है, उसमें ताकत है, सबको वर्षा देते हैं। जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अब तुम प्यार का वर्षा लेते हो, लेते लेते नंबर वार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाबा कहते कभी किसी को दुख नहीं देना, स्वर्ग में सब प्यार से रहते हैं, पर वो संस्कार तो अभी से बनाने होंगे ना, बहुत काल का पुरुषार्थ करना होगा, किसी को भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वो शक्ल में आ जाता है, किसी के मन में आ रहा है क्रोध तो वो शक्ल पे भी आ जाता है, कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवी देवताओं के चलन का गायन है, इसलिए बाबा कहते देवताओं के पुजारियों को भी समझाओ, तुम्हें देवता बनना है तो अपनी चलन ऐसी रखो तो तुम बन जाएंगे। जांच करनी है हम संपूर्ण निर्विकारी बने हैं, मैं किसी बात में बिगड़ता तो नहीं, अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया। बाबा कहते तुम्हें ऐसा बनना है,
मूडी नहीं बनना, मास्टर प्यार सागर बनना है। बनाने वाला भी हाजिर है, कहते कल्प कल्प मैं तुम्हें ऐसा बनाता हूँ। 5-4 वर्ष पहले जो बने थे अब भी जरूर बनेंगे, कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वो अब भी जरूर लेंगे, 5-4 वर्ष पहले जिन्होंने लिया था अब भी जरूर लेंगे। बाबा कहते इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में मैं बीज रूप हूँ, बीज में झाड़ समाया होता है, हर एक का पार्ट अपना है, ये चैतन्य झाड़ है ना। बाबा कहते जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है इसका मैं बीज रूप हूँ, मैं आकर के तुम्हें इस कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत का सार बताता हूँ। अभी तुम बच्चों ने इन बातों को समझा है, जो अच्छी बातें समझी हैं वो औरों को भी जरूर समझानी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अब आज की मुख्य बातें कौन सी हैं हम अपने पास डायरी में लिख लेंगे। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है, कोई भी इविल बातें मुख से नहीं बोलनी है, बुरी बातें नहीं बोलनी, आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें भी प्यार से समझाना है। कोई क्रोध करे तो हमें क्या करना है, उनको प्यार से समझाना है, क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना, नो इफेक्ट स्टेज बनानी है। कोई क्रोध कर रहा है तो आप बाबा को याद करेंगे कि बाबा इस आत्मा के चित्त को शांत कर देना, बहुत सुंदर वरदान है। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्वयं के अभ्यासी भाव, विश्व को लाइट माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले के समय में श्रेष्ठ अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। अमृत वेले उठ के अच्छे अच्छे अभ्यास करो, अमृत वेले के समय में जो श्रेष्ठ अभ्यास करते हैं उनकी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। अमृत वेले आँख खुलते ही सबसे पहले बाबा को थैंक्स दो, बाबा आपने हमें अपना बना लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या करेंगे, मेरे को बाबा ने क्या क्या दिया वो लिस्ट बनाएंगे, मुझे आज क्या करना है, आज के दिन मुझे कोई भी कार्य मास्टर प्यार सागर बन के करना है, जब क्रोध आए तो उसको पोस्टपोन कर देना है। इस तरह से अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है। एक शक्तिशाली आत्मा क्रोध से कार्य नहीं करती है, प्यार से कार्य कराती है। तो अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा, श्रेष्ठ अभ्यास द्वारा बाबा से सर्टिफिकेट लेने वाले शक्तिशाली आत्मा भव, अमृत वेले के समय में अपनी श्रेष्ठ लाइट माइट से वायुमंडल को निर्विघ्न बनाओ, अमृत वेले के वातावरण को बहुत अच्छा बनाओ। सुबह सुबह का समय स्वयं में शक्तियां भरने का है, अपनी कमजोरियां मिटाने का है। अमृत वेले बाबा वरदान बांटते हैं, असंभव को संभव करने का है। स्लोगन है समझदार वो है, समझदार कौन, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ करते हैं, मन से भी सेवा, वाणी से भी, कर्म से भी सेवा। आज हम सब अभ्यास करेंगे मैं मास्टर प्यार का सागर हूं, सतर्क होके बैठ जाएंगे। आज की जो मैंने मुरली सुनी अब उसको स्वयं में लाने के लिए, स्वरूप बनने के लिए बाबा से शक्तियां लेंगे, अपने मस्तक में बिंदु चमकता अनुभव करें, चिंतन करें, मैं शुद्ध आत्मा मास्टर प्यार सागर हूं, आज मैंने शुभ संकल्प किया है,
मुझे हर कार्य प्यार से करना है। क्रोध से नहीं, क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग कमजोर लोग करते हैं। अपनी कमियों को मिटाने के लिए अब मुझे अमृत वेले बाबा के सम्मुख जरूर बैठना है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। प्यार सागर का बच्चा, मैं मास्टर प्यार सागर हूं। ओम शांति शांति जगा लो विवेक सारे जग का करण।